नमस्कार तुमकां सगळ्यांक येवकार तुमच्या आवडत्या कार्यक्रमांत जाचें नांव आसा नीड ऑफ द अवर. ह्या कार्यक्रमांत तुमच्या बरोबर तुमच्या फुड्यान आमी घेवन येतात कितलेशेच इश्यूज जे सद्या घडणुक्यो घडटात गोंयांत, आनी त्या घडणुकेचेर चर्चा करपाक आमच्या बरोबर व्यक्तिमत्व आसतात ज्यांनी ह्या इश्यूंचेर आपलो आवाज उठयल्लो आसा असे व्यक्तिव्यक्त असतात. आनी कितलेशेच लोकांच्यो आमी इंटरव्यूज तुमच्या फुड्यान घेवन येतात, कितलेशे लोक खरी गजाल कितें आसा ती तुमच्या मुखार घेवन येतात आनी ह्या कार्यक्रमांतल्यान ते तुमकां सांगतात. सो असोच एक कार्यक्रमांत आमच्या बरोबर एक व्यक्तिमत्व आसा जे ह्या फावटी गोंयांतले न्हय तर ते दिल्लीच्यान गोंयांत येयल्ले आसात. इलेक्शनाचे माहोल कंप्लीट गोंयभर जाल्ले आसात, कितलेशेच कँडिडेट गोंयांत उबे रावल्ले आसात, कितल्योश्योच पार्टी फस्ट टायम गोंयांत आपले कँडिडेट घेवन हांगा इलेक्शना खातीर आयल्ले आसात. अशेंच एक दिल्लीचे मिनिस्टर जेचें नांव आसा कपील मिश्रा, ते गोंयांत आमच्या बरोबर आयज आसात आनी तेंचे कडेन मिनिस्ट्री आसा, मिनिस्टर फॉर वॉटर, ट्युरिजम, कल्चरल आर्ट्स, लँग्वेज, इतले सगळे मिनिस्ट्री ते घेवन आसात. तेंचे वय आसा फक्त 36 वर्स. सो हे खूब यंगेस्ट म्हाका दिसता एकदम यंग कँडिडेट. तो आपका फर्स्ट पब्लिक मिटिंग कैसे रहा? गोवा तो बहुत बार आया हूँ लेकिन चुनाव प्रचार के लिए, इलेक्शन कैंपेनिंग के लिए कल पहली बार यहाँ पर आया था. और कल का रिस्पॉन्स देख कर ये लगा कि गोवा चेंज चाहता है, बदलाव चाहता है, नया प्रकार का सरकार चाहता है. अभी गोवा के लोगों ने कांग्रेस को भी देखा है और भाजपा को भी देखा है, तो गोवा के लोग बेचैन हैं चेंज के लिए, तो वो चेंज की तैयारी लोग कर रहे हैं, वो कल नज़र आया मेरे को. ओके. अभी सबसे पहले सर आपने दिल्ली में क्या किया है, मतलब दिल्ली में आपकी सरकार है, आप दिल्ली में एग्रेसिवली काम कर रहे हैं एंड यू आर वन ऑफ द यंगेस्ट, मतलब यंग मिनिस्टर दिल्ली में है. तो आपने फॉर लास्ट सो मेनी मंथ्स व्हाट आर द चेंजेस यू हैव डन इन दिल्ली? मैं आपको बताता हूँ, 1.5 साल अभी हमारी सरकार को हुआ है दिल्ली में. 1.5 साल में अगर मैं बहुत जल्दी जल्दी 4-5 चीज़ें बताऊँ तो 8,000 कमरे हमने सरकारी स्कूलों में बनाए हैं. 40 कमरों में एक नया सरकारी स्कूल बन जाता है. 8,000 कमरों का मतलब है 1.5 साल में लगभग 200 नए सरकारी स्कूल हम लोगों ने बना के दिए हैं दिल्ली के अंदर. उसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो हमने दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक बनाई है. गोवा में या देश के बाकी राज्यों में जब कोई डिस्पेंसरी बनती है तो 5 करोड़ रुपये में डिस्पेंसरी बन के तैयार होती है, और उसमें ना डॉक्टर मिलता है, ना दवाई मिलती है, ना इलाज होता है, ना टेस्ट होते हैं. हमने मोहल्ला क्लिनिक बनाई, 20 लाख रुपए में बन के तैयार हो गई. एयर कंडीशनड मोहल्ला क्लिनिक 20 लाख रुपए में हर मोहल्ले मोहल्ले में बना रहे हैं. दवाई मुफ्त, इलाज मुफ्त, डॉक्टर हमेशा, और सारे टेस्ट, जितने भी टेस्ट होते हैं सारे टेस्ट मुफ्त. तो इस प्रकार की एक नई तरह की गवर्नेंस जिसमें सरकार अपने पैसे से जनता को, आम लोगों की भलाई के काम करें. मेरे पास पानी का मंत्रालय है दिल्ली में, वाटर डिपार्टमेंट. हमने 20,000 लीटर पानी मुफ्त देने का डिसीजन लिया. जब हमने ये निर्णय लिया कि हम 20,000 लीटर पानी मुफ्त देंगे तो हमसे कहा गया कि आपको सरकार चलानी नहीं आती, आपको इकोनॉमी की समझ नहीं है, आप वाटर डिपार्टमेंट को घाटे में डुबो दोगे. 1 साल के बाद हमने 11 लाख फैमिलीज़ को 20,000 लीटर पानी मुफ्त भी दिया और 178 करोड़ रुपये का मुनाफा भी कमा के दिखाया. एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको देता हूँ. गोवा में मांडवी नदी पर एक ब्रिज बनाए, पुल बनाया गया. वो पुल बनना था 450 करोड़ रुपये में, और बनते बनते जब वो पूरा हुआ तो वो 900 करोड़ रुपए में बन के पूरा हुआ, लगभग डबल अमाउंट में. हमने दिल्ली में फ्लाईओवर बनाया, वो फ्लाईओवर बनना था 325 करोड़ रुपए में, लेकिन बनते बनते जब पूरा हुआ तो वो 200 करोड़ रुपए में पूरा हुआ, यानी कि 125 करोड़ रुपए का उधर बचत हुआ. इसी पैसे से हम लोगों ने मोहल्ला क्लिनिक बनाया, दवाई टेस्ट मुफ्त में देने का, यानी जनता का पैसा भ्रष्टाचार से बचा के, रिश्वत से बचा के, कमीशन से बचा के और जनता के कामों के लिए लगाना. आज किसानों को सबसे ज़्यादा मुआवजा देश में अगर कोई सरकार दे रही है तो दिल्ली की सरकार दे रही है, 50,000 रुपये पर हेक्टेयर. आज मिनिमम वेज सबसे ज़्यादा अगर देश में कोई सरकार दे रही है तो दिल्ली की सरकार दे रही है. तो दिल्ली के अंदर हमने 1.5 साल में जो गवर्नेंस का मॉडल, ईमानदारी, नेक नियति और आम आदमी के लिए सरकार चलाना, वो मॉडल हम गोवा लेके आ रहे हैं और गोवा के लोग चाहते हैं. गोवा के लोगों ने सबको देखा है, कांग्रेस को देखा है, भाजपा को देखा है, और वो अब चेंज चाहते हैं. उसी चेंज के लिए आम आदमी पार्टी यहाँ पे आई है. दिल्ली में जो आप देखोगे तो पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है, तो कौन सी भी आप अगर वहाँ पे स्कीम निकालते हो या कोई भी आप उनको देते हो तो वहाँ पे खर्चा भी ज़्यादा है और आपको इनकम भी ज़्यादा है. सो इकोनॉमिकली भी आपको वहाँ पे अच्छा मिलता है, लेकिन गोवा की पॉपुलेशन भी कम है. सो इज़ इट अ सेम स्ट्रेटेजी एप्लीकेबल इन गोवा? मैं आपको गोवा के बारे में एक बात बताऊँ, मैं दिल्ली का टूरिज़्म मिनिस्टर भी हूँ, पर्यटन वो भी मेरे पास है. जब मैं गोवा को देखता हूँ तो मेरे को बड़ी जलन होती है. मेरे को ऐसा लगता है कि काश मैं गोवा में पैदा हुआ होता, या गोवा का टूरिज़्म डिपार्टमेंट ऐसे लोगों के पास में हो. जैसे आप सिंगापुर का एग्जांपल लो,
बहुत छोटा सा देश है। सिंगापुर के पास गोवा जैसा कुछ नहीं है, उनके पास गोवा जैसी ये नेचुरल ब्यूटी नहीं है, गोवा जैसे लोग नहीं हैं, गोवा जैसा कल्चर नहीं है, गोवा जैसी हेरिटेज नहीं है, कुछ नहीं है गोवा जैसा। लेकिन वो छोटा सा देश केवल टूरिज़्म के दम पर दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी में से एक बन गया, तो गोवा क्यों नहीं बन सकता? गोवा के पास तो नेचुरल ब्यूटी भी है, गोवा के जंगल, गोवा के घाट, गोवा की नदी, गोवा का समंदर, गोवा का बीच, गोवा के गांव, गोवा के लोग, गोवा का कल्चर, गोवा का हेरिटेज, सब कुछ है। केवल एक चीज़ की कमी है कि सरकार ईमानदार नहीं है, सरकार की नीयत ख़राब है। अगर एक ईमानदार और सच्ची नीयत वाली सरकार आ जाए तो गोवा अकेला पूरे इंडिया की इकनॉमी चला सकता है, पूरे देश की इकनॉमी अकेला गोवा चला सकता है। और यहाँ के लोगों को, मेरे को लगता है जो इकनॉमी की आप बात कर रहे थे कि कितना पैसा आएगा, मेरे को लगता है 3-4 साल में तो टूरिज़्म से इनकम डबल हो सकती है गोवा के अंदर। तो मिश्रा जी, हम लोग बात कर रहे थे कि गोवा में सबसे ज़्यादा कैंडिडेट आपने डिक्लेयर किए हुए हैं, जो 40 ऑलमोस्ट मोर देन 30 कैंडिडेट्स आपने डिक्लेयर किए हुए हैं, तो ये कैंडिडेट्स और किसी पार्टी ने डिक्लेयर नहीं किए, तो आपने ऑन वार्ड बेसिस यू गॉट द कैंडिडेट, और आप कैंडिडेट में क्या देखते हो? देखिए, जब आम आदमी पार्टी चुनाव के लिए कोई उम्मीदवार घोषित करती है तो हम 3-4 चीज़ें देखते हैं। सबसे पहली चीज़ तो हम ये देखते हैं उसका जनता के लिए उसने काम क्या किया है, उसका रिकॉर्ड कैसा है, पब्लिक के लिए काम कर सकता है कि नहीं कर सकता, लोगों के मुद्दों को समझता है कि नहीं समझता है, जनता से जुड़ा हुआ है या नहीं जुड़ा हुआ है। फिर हम उसका कैरेक्टर देखते हैं, कैरेक्टर कोई दागी नहीं होना चाहिए। फिर हम उसके कोई क्रिमिनल केस तो नहीं है, कोई करप्शन का या आपराधिक मामला तो नहीं है, ये चीज़ चेक करते हैं। और ये सारी चीज़ चेक करने के बाद फिर उसके बाद आम आदमी पार्टी टिकट देती है जो उम्मीदवार लड़ सकता है मजबूती से और लड़के जीत सकता है, विनेबिलिटी, उसके बाद हम टिकट देते हैं। और इसके बावजूद भी, टिकट देने के बावजूद भी, हम एक चीज़ करते हैं कि हम पूरी जनता के बीच में ये बात खुलकर बोलते हैं कि टिकट देने के बाद भी अगर हमारे किसी कैंडिडेट के ऊपर कोई दाग पाया जाता है, कोई करप्शन का, कोई कैरेक्टर का, कोई क्राइम का, ऐसा कोई भी दाग पाया जाता है, तो हम वोटिंग से एक दिन पहले भी टिकट काट देते हैं, वो सीट खाली छोड़ देते हैं। दिल्ली में हमने किया था, वोटिंग होने वाली थी और वोटिंग से पहले एक कैंडिडेट के ऊपर एक इल्ज़ाम पाया गया, हम लोगों ने वो सीट खाली छोड़ दी, हमने कहा इस पर कोई कैंडिडेट चुनाव नहीं लड़ेगा। तो इस प्रकार से जांच के परख के जो लोग एक ऐसी सरकार गोवा को दे सकें जो गोवा के लिए चले, गोवा की जनता के लिए चले, वैसे लोगों को हमने टिकट दिया। 30 टिकट हम दे चुके हैं और सबसे ज़्यादा टिकट हमने इसलिए दिए हैं क्योंकि हम तैयार हैं, आम आदमी पार्टी तैयार है, हमारा संगठन तैयार है, हम गोवा में चुनाव लड़ने के लिए, जीतने के लिए और सरकार बनाने के लिए तैयार है। अभी आपने गोवा में ऐसा मैनिफेस्टो क्या बनाया है कि गोवा के लोग आपको ही वोट करें? वाई ओनली आम आदमी? नहीं, अभी तो हम मैनिफेस्टो बना रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, उनसे पूछ रहे हैं, लेकिन क्यों हमें वोट करें? दो रीज़न है, गोवा ने कांग्रेस को देख लिया, गोवा ने भाजपा को भी देख लिया, लोगों ने ये भी देख लिया कि कैसे कोई वादे करता है और उसके बाद भुला देता है। हमारे बारे में दिल्ली में कम से कम लोग ये कहते हैं, जो कहा सो किया, पानी 20,000 लीटर मुफ्त देने को बोला तो करके दिखाया, बिजली का बिल अदा करने को बोला तो करके दिखाया, 24 घंटे में करके दिखाया, ये नहीं कि 5 साल का इंतज़ार किया। गोवा में कैसीनो बंद करने का वादा किया गया था लेकिन कैसीनो बंद नहीं हुए। गोवा में आज जो सरकार चल रही है वो ये बोलती है कि बड़े लोग आ जाएं बाहर से, वो ज़मीन पे कब्जा कर ले, अपना बिजनेस चला ले, लेकिन गोवा का बच्चा 5,000 यूथ हर साल गोवा छोड़ के जा रहा है नौकरी की तलाश में। तो गोवा में अब ऐसी सरकार चाहिए जो गोवा के बारे में सोच के गोवा की बात कर सके। और सबसे बड़ी बात यह है, जब गोवा के मुख्यमंत्री को देखा मैंने, लक्ष्मीकांत जी को, नरेंद्र मोदी जी की जनसभा में, वो भिखारी की तरह खड़े थे, हाथ जोड़ रहे थे, झुक रहे थे, सलाम कर रहे थे, नमस्ते कर रहे थे, मोदी जी उनको देखने को तैयार नहीं थे। बार बार लक्ष्मीकांत जी कभी नमस्ते कर रहे हैं, कभी झुक रहे हैं, कभी पानी पिलाने की कोशिश कर रहे हैं, मोदी जी के पीछे पीछे जा रहे हैं, मोदी जी ने पलट कर नहीं देखा लक्ष्मीकांत जी को। क्या वो लक्ष्मीकांत जी का अपमान हो रहा था? नहीं, वो गोवा के वोटर का अपमान हो रहा था, गोवा की जनता का अपमान हो रहा था, गोवा के चुने हुए प्रतिनिधि के साथ एक भिखारी जैसा बर्ताव करना, मुझे लगता है पूरी गोवा का अपमान है, पूरी गोवा की बेइज्जती करने की कोशिश की गई। ऐसा मुख्यमंत्री जो प्रधानमंत्री के सामने बिछा पड़ा है, झुका पड़ा है, भिखारियों की तरह खड़ा है, वो गोवा को क्या हक दिलाएगा? वो गोवा के लिए क्या लेके आएगा? वो गोवा को स्पेशल स्टेटस कैसे दिलाएगा? गोवा में अब ऐसे मुख्यमंत्री की ज़रूरत है, ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो आँख में आँख डाल के बात कर सकें, जो ये बोले कि गोवा का हक गोवा को दो, जो लेना भी जाने, लड़ना भी जाने और छीन के गोवा का हक पाना जाए। तो ऐसे लोगों की अब ज़रूरत है। तो आज गोवा के अंदर बहुत कमज़ोर मुख्यमंत्री है, बहुत कमज़ोर सरकार है और अमीरों की सरकार है, बाहर वाले लोगों की सरकार है। गोवा के लोगों को अब अपनी खुद की सरकार चाहिए, आम लोगों की। ओके,
जब आप बोलते हो आम लोगों की सरकार, अभी आप अगर कांग्रेस में भी देखोगे, बीजेपी भी देखोगे, तो कोई भी डिसीजन लेने का होता है जब भी सरकार आती है तो हाई कमांड। तो इसके बारे में आपकी क्या राय? दिल्ली में जब हम डिसीजन लेते हैं तो हम मोहल्ला सभा लगाते हैं। मैं एज ए विधायक, एक MLA के तौर पर मेरा पूरा का पूरा बजट मैंने मोहल्ला सभा लगा के खर्च किया। जनता के बीच में गए, जनता से पूछा कि ये पैसा किस चीज़ में खर्च होना चाहिए। जिस चीज़ का जनता ने बोला उस चीज़ में वो पैसा खर्च कर दिया। किसी हाईकमान से पूछने नहीं गए। वही कल्चर कि जनता का पैसा जनता से पूछ कर खर्च हो, वो गोवा में लाने की तैयारी है। हाईकमान का कल्चर तो ख़त्म होना ही चाहिए। और जब हाईकमान इतना हाई हो जाए कि मुख्यमंत्री की नमस्ते करने को तैयार ना हो, मुख्यमंत्री को हेलो बोलने को तैयार ना हो, तब तो समझ में आता है कि अब बदलने का टाइम आ गया। गोवा में जब आप कैंडिडेट फोकस करते हो और कैंडिडेट पे देखते हो, और गोवा का टूरिज़्म भी आपको, अभी आप टूरिज़्म मिनिस्टर दिल्ली में भी है तो टूरिज़्म के बारे में भी आपको बहुत नॉलेज है, तो इस सब चीज़ों में जब कैंडिडेट्स आप डिक्लेयर करते हो या कैंडिडेट्स देखते हो, तो उनके हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक डिफरेंट मैनिफेस्टो या डिफरेंट रिक्वायरमेंट होती है। तो आपने गांव-गांव में या कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाके इसका रिसर्च किया हुआ है कि कौन से गांव में या कौन से कॉन्स्टिट्यूएंस में किसकी ज़रूरत है, और उस तरीके से आपने सब कुछ किया? बिल्कुल, जाके लोगों से मिले। और आप हमारे उम्मीदवार को देखो, कोई इंजीनियर है, कोई आर्किटेक्ट है, कोई वकील है, कोई मॉडल है, कोई यहाँ तक कि अपने इंडिया गॉट टैलेंट के निकले हुए चुनी हुई प्रतिभा वाले लोग हैं। तो ऐसे कैंडिडेट हैं जो जनता के बीच से निकले हैं, जो जनता को जानते हैं। मेरे को लगता है अभी ऐसे ही लोगों की ज़रूरत है। और हमारे उम्मीदवार और भाजपा और कांग्रेस के उम्मीदवारों का फ़र्क आपको भी दिखने लग गया होगा। व्हाट इज़ द स्ट्रेटेजी ऑफ आप इन गोवा? आप गोवा में स्ट्रेटेजी क्या करेगी? मतलब आपको अपने कैंडिडेट्स और अपनी सरकार गोवा में लानी है, तो आपकी स्ट्रेटेजी क्या है? देखिए, हमारी सिंपल स्ट्रेटेजी होती है घर घर जाना, एक एक आदमी से मिलना, एक एक व्यक्ति से बात करना, उसको आम आदमी पार्टी के बारे में, दिल्ली की सरकार के बारे में बताना, और ये बताना कि गोवा को कैसे, जैसे गोवा में मनोहर पर्रिकर जी थे। अब मनोहर पर्रिकर जी ने गोवा के लोगों से बहुत सारे वादे किए, लेकिन वो वादे पूरे नहीं किए। उसके बाद वो जाके सेंट्रल गवर्नमेंट में डिफेंस मिनिस्टर बन गए। आज डिफेंस मिनिस्टर बनने के बाद वो इतने ऊँचाई पर चले गए कि वो कहते हैं उन्हें नारियल का पेड़ घास नज़र आने लग गया। इतनी ऊंचाई पर जाके बैठ गए। उनकी सरकार ने ऑर्डर कर दिया कि जो कोकोनट ट्री है ये प्रोटेक्टेड ट्री नहीं होगा, इसको घास समझ के इसको काट दो। जब कोई इतनी ऊंचाई पर चला जाए कि उसको नारियल का पेड़ घास दिखने लगे, तो फिर जनता ऐसे लोगों को ऊंचाई से ज़मीन पर उतारना जानती है। तो वही जनता के अंदर का जो गुस्सा है, जो असंतोष है, और जो चेंज की इच्छा है जनता की, उसको पूरा करने के लिए हम लोग आए। आपने इसी को लेके मैं सवाल पूछना चाहता हूँ कि आपने कल मीटिंग में मनोहर जी को शक्ति कपूर बोला, ये क्यों? मैंने ये कहा कि मनोहर पर्रिकर जी जो हैं वो हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स के शक्ति कपूर हैं, क्योंकि एक तरफ वो बोलते थे कि वो देशभक्त हैं। अगर देशभक्त थे तो पठानकोट के अंदर पाकिस्तानियों को जांच करने के लिए क्यों बुलाया, ISI को क्यों बुलाया जांच करने के लिए? अगर देशभक्त थे तो महबूबा मुफ्ती के साथ सरकार क्यों बनाई? अगर देशभक्त थे तो जब नरेंद्र मोदी नवाज शरीफ के घर में केक खाने जा रहे थे, बर्थडे मनाने जा रहे थे, तो मनोहर पर्रिकर ने रोका क्यों नहीं? इसका मतलब मनोहर पर्रिकर देशभक्त नहीं है। अगर देशभक्त होते तो आज हमारे पिछले 2 महीने में 50 सैनिक मारे गए हैं, वो मारे नहीं जाते। दूसरा, मनोहर पर्रिकर ने कहा कि वो ईमानदार हैं। अगर ईमानदार होते तो कैसीनो बंद करके दिखाते। अगर ईमानदार होते तो रक्षा सौदों में पिछले सालों में जितना भ्रष्टाचार हुआ उसको खोल के दिखाते, भ्रष्टाचारियों को गिरफ्तार करके दिखाते। यानी कि मनोहर पर्रिकर ना देशभक्त हैं ना ईमानदार हैं, लेकिन बोलते हैं कि वो हैं। जैसे राजा बाबू फिल्म में शक्ति कपूर बोलते हैं, शक्ति कपूर बोलते हैं मैं एक छोटा सा नन्हा सा बच्चा हूँ, लेकिन बच्चे तो नहीं है, खलनायक है, लुटेरे हैं, लूटने की नीयत रखते हैं, विलन है। जो राजा बाबू में शक्ति कपूर है वो हिंदुस्तान की राजनीति में मनोहर पर्रिकर है। बोलते कुछ हैं और सच्चाई कुछ और है। ओके, हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, हमारा टाइम ब्रेक का हो गया है। एक कमर्शियल ब्रेक के बाद हम फिर अपने इंटरव्यू के लिए कंटिन्यू करेंगे। एक लहानसो ब्रेक घेता, 2 मिनटा भीतर आम्ही परत तुमच्या मुखार येता। पळत राहा तुमचा आवडता कार्यक्रम नीड ऑफ द आवर।